नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियर सोशल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप आरआरबी जेई की तैयारी में लगे होंगे, अगर आपने डिप्लोमा किया, अगर आपने बीटेक किया है तो, और आप ये वेट कर रहे होंगे कि आरआरबी जेई का क्या होने वाला है। जैसे कि बाकी सारी जो वैकेंसीज हैं वो रेलवे की इंक्रीज हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की मैं बात करूँ तो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन जो 7000 के आसपास लगभग जेई की पोस्ट है आरआरबी में, तो आपका सवाल यह था कि क्या इंक्रीज होगी। तो ऑफिशियल रेलवे की नोटिस आ चुकी है, आप वहां से जाकर के आरआरबी के साइट पे देख सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिस में यह बोला गया है कि जो जेई की वैकेंसीज है, बहुत जल्दी मेरी बात को सुनिएगा, ये वैकेंसीज 7000 से बढ़ाकर के 12 से 14 हजार के बीच में कर दी जाएगी। यानी दिस वैकेंसीज अप्रोक्सीमेशन 7000 विल इंक्रीज बाय 12 to 14000, तो 12 से 14 हजार कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज और है, आरआरबी में संशोधन भी होता है, तो फॉर्म में संशोधन होता है। ये होता है कि आपने देखा होगा कि पेपर वगैरह में या फिर फॉर्म वगैरह में संशोधन होता है कि भाई आपका जो भी करेक्शन है आप उसको कर पाए। तो करेक्शन के ऑप्शंस में मैं ये बात करूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बच्चे अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर पाए। तो बच्चों का ये डाउट था कि क्या हम लोग री अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं, ओनली री करेक्शन हो सकता है, री अप्लाई नहीं हो सकता है। वैकेंसी लगभग 12 से 14 हजार होगी, ये फैक्ट है, बात समझ में आ रही है। इसलिए जितनी तैयारी कर रहे हो उसमें जोरदार धारदार तरीके से उस तैयारी को एकदम मतलब जीजान लगा करके कर दो। और दूसरी बात, मुझे पता है कि यूपीपीएससी का भी गम होगा कि यूपीपीएससी का क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, हम लोग जब यहां पर लाइव है, जिंदा है, तो यूपीपीएससी का कुछ नहीं होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, तुम लोग मन लगा करके आरआरबी पर अभी फोकस करो। अभी के लिए यूपीपीएससी का एग्जाम विद्युत सेवा आयोग ही लेगा। इसके लिए पूरा प्रशासन शासन जो भी कर्मचारी है लगे हुए, विभाग लगा हुआ है, हम लोग लगे हुए, भारत के टीचर्स लगे हुए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम हैं तब तक विद्युत सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती को कराएगा। तो आरआरबी के रिगार्डिंग ये अपडेट है कि आरआरबी जेई की जो पोस्ट है वो 7000 से लेकर लगभग जो 7000 थी वो 7000 से बढ़ा करके 12 से 14 हजार कर दी गई है। और जितनी अब मेहनत कर रहे थे उससे चारगुना मेहनत कर लो, क्योंकि कम से कम अब कंपटीशन होगा। और पहले से फॉर्म भी इस बार कम पड़ा हुआ है, आपको पता ही है, कई सारे रीजन है उसके पीछे कि फॉर्म कम पढ़ने के लिए। वो रीजन मैं आपको बता ही दिया हूं, पहले भी मैं बता दिया हूं, राघवन सर ने भी आपको बताया होगा यूट्यूब पर आकर के, तो वो अलग मैटर। लेकिन अभी ये मैटर है कि वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। आप सभी के लिए गोल्डन और बेस्ट अपडेट है अभी तक के लिए। आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। और क्लासेस के बारे में आप क्या कहते हैं, क्लास स्टार्ट यूट्यूब पर होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं 300, 500, 1000 बच्चों के लिए मैं अपना टाइम निकाल करके क्लास नहीं लेने जाऊंगा। अगर आप आओगे पढ़ोगे तब जाकर के आपकी क्लासेस लूंगा। तो कमेंट में बताना कि कितने ऐसे भारत के स्टूडेंट हैं जो जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं आरआरबी जेई के लिए, जिस कंटेंट को पढ़कर के सिर्फ और सिर्फ चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, भारत के टीचर सीबीटी 2 की पहले तैयारी कराएंगे, सीबीटी 1 निकले या ना निकले ऐसा नहीं है। तो जेन्युइन कंटेंट किसको किसको चाहिए जिसको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट करो। जय हिंद।